नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैठक के दौरान लाइव प्रसारण में तृणमूल कांग्रेस कर्मी इरशाद सुल्तान ने कमेंट पोस्ट कर हावड़ा के 27 और 37 नंबर वार्ड में तालाब भराई के लिए मंत्री अरूप राय को जिम्मेदार ठहराया था। इस कमेंट के बाद मध्य हावड़ा के टीएमसी नेता सुशोभन चैटर्जी ने शिवपुर थाने में दायर किया था मामला। इरशाद की गिरफ्तारी के बाद मामला पहुंचा कोलकाता हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने न केवल इरशाद को जमानत दी बल्कि उसकी गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नेता के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करना उसका मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं है। वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा में मॉब लिंचिंग को लेकर एक बिल पास किया गया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी राजभवन से बिल पास नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने इस विषय पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर साधा निशाना। राज्यपाल ने कहा कि इस बिल से संबंधित कुछ दस्तावेज मांगे गए थे जो अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस मामले पर सीपीएम और कांग्रेस ने बिल से मृत्युदंड के प्रावधान बदलने का लगाया आरोप। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में दो अलग अलग शूटआउट की घटनाएं घटी। पहली घटना पूर्व बर्धमान जिले के कालना शहर में घटी। हुगली के चूचड़ा के रहने वाले मिलन सिंह को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूटआउट कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी घटना दक्षिण 24 परगना जिले के मोगरा हाट में घटी। व्यवसायी अशोक शाताई को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। दोनों ही मामलों की छानबीन पुलिस कर रही है। देश भर में नीट के पेपर लीक होने के मामले में जांच कर रही सीबीआई झारखंड के एक अभियुक्त की तलाश में पहुंची कोलकाता। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित अभियुक्त अमित कुमार के घर की तलाशी लेने पहुंची सीबीआई की टीम, लेकिन अमित कुमार के घर पर लगा था ताला। सीबीआई ने इसके बावजूद भी तलाशी जारी रखी। कोलकाता के न्यू बैरकपुर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में चीट फंड कंपनी सहारा के पूर्व कर्मचारियों के घरों की तलाशी ले रही है। बुधवार को ईडी की 5 सदस्यीय टीम न्यू बैरकपुर के सादा अपार्टमेंट में सहारा के पूर्व कर्मचारी रंजीत घोष के फ्लैट पर छापेमारी करने पहुंची। पिछले एक सप्ताह में विभिन्न मामलों में चोरी का आरोप लगाकर 5 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी और 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सामूहिक पिटाई की ये घटनाएं राज्य के झाड़ग्राम, हुगली एवं कोलकाता के सॉल्ट लेक और बहुबाजार में घटी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।